गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा है स्टैटिक्स इंसान की। इसमें हमने पिछले टाइम में आपको इसके एग्जाम्पल स्किल बताए थे, कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड बताए थे। हमने रहते क्लासिफाइड कैसे सॉल्व करेंगे, नॉन क्लासिफाइड कैसे सॉल्व करेंगे, और उसी के आगे हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए जिसके से ये दिया गया है, एक हमें डाटा दिया गया है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 है और फ्रिक्वेंसी भी आपको दी गई है। ये हमारा जो है क्लासीफाइड नहीं है, बट निकालने का तरीका से अगर क्लासीफाइड की तरह होगा। टेबल बनाएंगे एक्स एफ, टेबल बनाएंगे एक्स और एफ के लिए। यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख देंगे 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब एफ की बात की है, टर्न फाइव की फ्रिक्वेंसी 4 है, 6 की 8 है, 14, 11 हमने राइट ऑफ। अब यहाँ पे एक सिग्मा एफ निकाल लेंगे, यानी कि जितनी फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है उसको आप लोग ऐड कर लेंगे। 4 8 12 12 14 26 26 11 37 37 3 40 ये आपका सिग्मा एफ आ गया। अब आप लोग एफ एस निकाल लेंगे। एफ एस का मतलब एफ इंटू एक्स फ्रिक्वेंसी और टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 20 8 6 48 14 7 8 4 8 7 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8
एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, जो कि हमारा क्या जाएगा 281/40। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 7 28, पॉइंट लगेगा 1 आएगा 0, लिख जाएगा 7.025। हमारा इस तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट हो गया, 7.025 हमारे इस क्या हो गया आंसर फाइंड आउट हो गया। देखिए नेक्स्ट है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी, x दिया f दिया, तो पहले आप टेबल बना लेंगे x f फिर f x, कॉलम बना लेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 13, 15, 16, 18, 16, 15 and 30। अब सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले का वर्क पता हमें क्या है निकालना, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, 3, 5, 8, 6, 40, 8, 22, 28, 33 and 3, 36, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 106 आ गया सिग्मा एफ की वैल्यू। यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, 39 जा 135, 1 जारी किया 38, 1 जा 44, 15 जा 48, 4 जारी करेगा 16, 2 जा 32, 4 36, 18 जा 99, 13 करेगा 37, 9 45, 67 जा 112, 16 जा 34 11, 14 जा 59 जा 135, 13 करेंगे 43, 31 जा 30, 33 जा 39। इस तरीके से देखिए कि हमने एफ और एक्स का प्रोडक्ट निकाल लिया, और नाउ सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे स्क्वायर करके, 12, 20, 22, 27, 30, 0, 3 आया, 7, 8, 14, 19, 22, 25, 2 आएगा, 4, 3, 7, 10, 10 और 16 आपका हो जाएगा 26। ये आपने क्या किया सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ को फाइंड आउट कर लेंगे, 2650/1106, और इसको आप लोग अब डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट पर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले आपने देखे क्वेश्चन नॉन क्लासिफाइड के, आपको डाटा नॉर्मल दिया जाते आप सिग्मा एक्स निकाल देते हैं, एनसी डिवाइड करें। अब आपको दिया गया कि यहाँ पे एक्स और एफ दिया, टेबल में एक्स का मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके आपने सॉल्व कर दिया।
क्लासिफाइड मैंने बताया था, फिर से देखिए एक बार इसके बाद क्लासिफाइड वाले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, तो क्लास वाले क्वेश्चन दे दिए यहां पे, क्लास के जीरो से 10 10 से 20 20 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60। अब इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना। देखिए पहले आप लोग क्लास लिख लेंगे, क्लास आपकी क्या है, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 आफ्टर 10 50 टू 60। ये सभी क्या हमने क्या लिखी, क्लास लिखी। अब आप लोग यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु जिसको आप लोग किससे लिखते हैं, एक्स से। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु जिसको एक्स से लिखते हैं, इसको आप लोग किस टाइप से निकालते हैं, इसको आप लोग निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके लोअर लिमिट अपर लिमिट निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ करके उसे डिवाइड करेंगे। 0 + 10 5 15 25 35 45 55। हमने इसको ऐड किया, देखिए 50 / 2 25 75 / 35 40 45 55, दोनों को ऐड करके उसे डिवाइड किया। अब इसके हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी, 7 5 6 12 8 and 2। यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेंगे, 12 6 18 12 30 and 40। सिग्मा 12 कितनी आ गई, 40 आ गई। अब यहाँ पे ये आप कर लेंगे सिग्मा एफ, 7 5 जा 35 55 जा 75 25 फिर जा 150 12 into 35 12 5 जा 70 36 over 7 42 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 360 आफ्टर 10 100। इसको आप लोग ऐड कर देंगे, 10 की 0 1 क्या नहीं किया, 11 16 18 24 25 2 आ जाएगा, 3 4 7 11 70। इस तरह से आपने क्या लिखा, सिग्मा एफ क्या गया, 11 50 आ गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इस तरह की जब भी क्लासिफाइड दे जाओ पहले आप लिमिट पॉइंट निकालेंगे, वो आपका एक्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था, एफ एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ को दे लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ 11 50 अपान 40 4 2 8 ठीक है, नहीं किया 4 8 32 and 7 5 28.75। ये आपकी एक्स बार की क्या आगे वैल्यू आ गई, केवल आपको ध्यान रखना मिड पॉइंट लेना है, बाकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आप लोग इस तरह से इसका मैथमेटिक मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तीनों टाइप के सम्स बताए हैं, अब आप कुछ इससे अलग टाइप के बताते हैं, बाकी जो स्टेप के सम्स आप लोग लगाए गए कुछ इससे आप हटके बताते हैं किस टाइप के सम्स और आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको एक्स दिया गया 10 30 50 70 and 90। इसके फ्रीक्वेंसी दी है 17 f1 32 f2 90। इसका सम है 120। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्स बार इन समांतर मान दे रखा 50, आपको f1 और f2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेबल ड्रा कर लेंगे नॉर्मल सी जो बनाते हैं हर क्वेश्चन में। तीन कॉलम रहते हैं, तीन कॉलम आप लोग बना लेंगे, यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, एफ आपका 10 30 50 70 and 90 का मैंने लिख लिया 17 f1 f2 90 and sorry f1 32 f2 are 90। सिग्मा एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 120, क्योंकि ये हो गया 120। सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 170 F1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आएगा, यहाँ करेंगे 70 F2 आफ्टर 10 1 7 1 0 आएगा। अब इसको आप लोग ऐड कर लेंगे, तो जब आप इसको 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 ऐड करेंगे आपका आएगा 3480 + 30 F1 + 70 F2 यह आपका निकल है। देखिए स्टूडेंट सभी को पता है सिग्मा एफ आपको दिया गया है 120, तो सिग्मा एफ 120 कैसे आया, 17 + f1 + 32 + 30 + 90 17 + f1 + 32 + f2 + 90 = 120। तो f1 + f2
प्लस 68 और 120, 68 को ट्रांसफर कर देंगे तो F2 बराबर आ जाएगा 52 माइनस F1। आप इसको क्या ऐड कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लेंगे। आपको पता सिग्मा F कहते हैं, इन सबको ऐड करके तो आपका F1 प्लस F2 प्लस 68 आपको क्या देगा 120 आ जाएगा। आपने F2 निकाल लिया। अब आपको पता है X बार का फार्मूला सिग्मा F x अपॉन सिग्मा F, सिग्मा F x अपॉन सिग्मा X बार की आपने वैल्यू रखेंगे 50, सिग्मा F x आपका दिया गया था 30F1 प्लस 70F2 अपॉन 1। यहाँ पे कट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6000 3480 30F1 70F2 इधर ट्रांसफर करेंगे 2520 30F1 जीरो में कैंसिल कर देंगे 2520 2F1 7F2। अब आपका ये आ गया, आप इक्वेशन फर्स्ट F2 की वैल्यू रख देंगे 52 माइनस F1 तो क्या आ जाएगा 2520 3F1 प्लस 52 माइनस F1। इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे 2520 3F1 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 364। इसको यहाँ ले आएंगे माइनस का 112 इक्वल टू माइनस का 4F1 F1 आपका आ जाएगा 28। F1 की वैल्यू क्या आ रही 28। अब F1 की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देंगे, उनका वैल्यू ऑफ F1 क्वेश्चन फर्स्ट तो ये आपका क्या आ गया 24 आ गया। इस तरीके से आपने क्या किया F1 और F2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और इस इंटरवल के हमें फ्रीक्वेंसी दी है 15, 20, 35, 10। हमें यहाँ पे मीन दिया 24 में पी की वैल्यू निकालनी, कोई प्रॉब्लम वाला सेंस नहीं है, आराम से करेंगे। क्लास इंटरवल दिया आपको, पहले इसका क्या निकालें मिड पॉइंट निकालें, दोनों फ्रेंड किया उसे डिवाइड, तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस हम इसमें कर लेंगे। आफ्टर देन एफ का जोड़ेंगे 35, 70, 80 प्लस पी आ गया हमारा सिग्मा एफ की वैल्यू। अब आप लोग एफ एक्स निकाल लेंगे, जब एफ एक्स निकालेंगे 75, 300, 25, 175, 70, 87 यह आ जाएगा 35p प्लस 450। देखिए 35p तो आपका ऐसे रहेगा, बाकी आप ऐड कर लेंगे 5, 5, 10p 0 बना है 50, 50 और 5, 20, 02 आ गया 5, 13 और 4, 1700 प्लस 35p इसकी वैल्यू आ गई। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, यह आपका 950 होगा, ठीक है 1700 ही आ गया। इस तरीके से आपने क्या किया एफ एक्स निकाल लिया। अब आपको फार्मूला बताइए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, यह आपका 24 दिया, यह आपका 1700 प्लस 35 भी आ गया और अपॉन टोटल की बात आ गया टोटल आपका 80 प्लस पी है, कितना 80 प्लस पी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 48 जा 192 प्लस 24 पी इक्वल टू 1700 प्लस 35। देखिए इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 11p बचेगा, तो ये यहाँ ले आएंगे इसे सबट्रैक्ट करेंगे 220 आ जाएगा, पी इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। पी की वैल्यू कितनी आ गई 20, क्या क्या आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से पी वन साइड पहुंचे अदर साइड से, तो पी की वैल्यू आपकी क्या है 20। ठीक है स्टूडेंट, बस लगभग इसी के अच्छे आपको सम्स मिलेंगे। इस तरह से बहुत स्टूडेंट्स बहुत सेशन स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप लोग अपनी गूगल मीट की क्लास में पूछिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।